बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म मिसेज चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे 17 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को लोगों ने काफी सराहा। फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी, जिसमें एक भारतीय माँ नॉर्वे के एक फोस्टर केयर में बंधक बनाए गए अपने दो बच्चों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ती है। इस भारतीय माँ का नाम है सागरिका भट्टाचार्य। सागरिका ने अपनी लड़ाई पर एक आत्मकथा लिखी है, जिसका नाम है द जर्नी ऑफ अ मदर। हम आपको इस फिल्म और सागरिका के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक ऐसा ही मामला जर्मनी से आया है, जहां एक परिवार अपनी 22 महीने की बच्ची को पाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मामला 23 सितंबर 2021 का है, जब 7 महीने की बच्ची अरिहा शाह को उसकी मां धारा शाह अस्पताल लेकर पहुंचती है। लेकिन अस्पताल में इलाज के बाद डॉक्टर बच्ची को मां के हवाले ना करके चाइल्ड केयर सर्विस को फोन करके बुला लेते हैं और बच्ची को उन्हें दे देते हैं। तब से लेकर आज तक ये परिवार अपनी बच्ची को पाने के लिए लड़ रहा है। क्या है पूरा मामला? अहमदाबाद के रहने वाले पति पत्नी भावेश और धारा शाह वर्क वीजा पर जर्मनी के बर्लिन गए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। इस दौरान उनकी बेटी आर्या को किसी तरह प्राइवेट पार्ट पर चोट लग गई। घबराई मां धारा शाह जब अपनी बेटी को अस्पताल लेकर जाती है तो उल्टा परिजन पर ही बच्ची से यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया जाता है, जिसके बाद अरिहा को प्रशासन फोस्टर केयर होम भेज देता है। सितंबर 2021 के बाद से ही ये परिवार अरिहा की कस्टडी के लिए कानूनी जंग लड़ रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टरों को अरिहा के डायपर पर खून मिला था। क्या कहना है अरिहा की मां धारा शाह का? अरिहा की मां के मुताबिक, हम पर झूठे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हम सच्चे हैं। हम अपनी बच्ची को खुद डॉक्टर के पास लेकर गए थे। सभी मामले वेरीफाई हो चुके हैं। जिस हॉस्पिटल में हम अरिहा को लेकर गए थे, जिसने चाइल्ड केयर को बुलाया था, उन्होंने खुद 2021 में रिपोर्ट भी दे दी थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने सेक्सुअल अब्यूज को खारिज कर दिया था। बच्ची के पिता और दादा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। फरवरी 2022 में पुलिस ने ये केस बंद कर दिया था। तब हमें लगा कि इन लोगों से जो भी गलतफहमी थी वो क्लियर हो गई है, अब हमें हमारी बच्ची मिल जाएगी। लेकिन बावजूद सभी क्लियरिफिकेशन के चाइल्ड केयर ने पेरेंटल कस्टडी को टर्मिनेट करने का केस जारी रखा। फैमिली कोर्ट ने हमारी पेरेंटल एबिलिटी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। अब तर्क दे रहे कि बच्ची को अटैचमेंट डिसऑर्डर है, अनजानों से घुल मिल जाती है। रिकमेंडेशन में कहा कि बच्ची पेरेंट्स के साथ खुश है, बिल्कुल भी नहीं घबराती है, बहुत प्यार से रहती है, इसीलिए बच्ची को पेरेंट्स चाइल्ड फैसिलिटी में रखा जाए। जर्मन कोर्ट अपॉइंटमेंट एक्सपर्ट ने बोला कि बच्ची को पेरेंट्स के साथ रखा जाए। भारत सरकार ने बोला है कि बच्ची को यहाँ लाया जाए, हम उसकी देखभाल करेंगे। हम इस संबंध में कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे थे। पिछले हफ्ते पता चला कि जर्मन चाइल्ड सर्विस ने बच्ची को 20 महीने से जिस जगह पर रख रखा था, वहां से उठाकर इंस्टीट्यूट में डाल दिया गया है, चिल्ड्रन सेंटर में रखा है। ये सेंटर मंदबुद्धि बच्चों के लिए होता है। मां धारा शाह ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भी याद किया था। उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज एक माँ थी, इसलिए वो एक माँ का दर्द समझती थी। यहाँ तक कि विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने हमेशा इस कारण का समर्थन किया। 2 साल बाद कस्टडी से दावा खो देगा परिवार। अरिहा की मां धारा का कहना है कि इस साल अगस्त के अंत में अरिहा को फोस्टर केयर होम में 2 साल पूरे हो जाएंगे। जर्मनी सरकार के नियमों के तहत अगर किसी बच्ची को फोस्टर केयर होम में रखते हुए 2 साल हो जाता है तो उस बच्ची को उनके माँ बाप को नहीं लौटाया जाता है। ऐसे में बच्ची की वापसी पर संकट आ जाएगा। धारा बताती है कि कई भारतीय माता पिता ने इन आरोपों को झेला है और बच्चों को उनकी हिरासत से हटा दिया गया है। हर बार जब देश के पीएम हस्तक्षेप करते हैं और मामले को लेकर बात करते हैं, तब इसमें मदद मिलती है।